नमस्कार। आज हम रसगुल्ले बनाएंगे। इसके लिए ये मैंने 1 लीटर ये दूध लिया है, टोंड मिल्क है ये। आप ये ले लें या गाय का दूध ले लें, भैंस का दूध आपको नहीं लेना है। देखिए, इसको हम गर्म करने के लिए रखेंगे पहले। ये देखिए, दूध गर्म करने के लिए रख दिया है और इसको हम लगातार चलाते रहेंगे। इसमें मलाई नहीं पड़नी चाहिए, बस लगा जब तक ये खोल नहीं जाएगा तब तक हम लगातार चलाएंगे जिससे कि इसमें मलाई ना पड़े। देखिए, दूध हमारा खोल के तैयार हो गया है और इसमें बिल्कुल मलाई नहीं पड़ी है। मैं लगातार चला करके इसको किया है। अब इसको हम ठंडा होने देंगे और इसको चलाते हुए ही ठंडा करना है। इसमें मलाई नहीं पड़नी चाहिए जब तक हम नींबू तैयार कर लेते हैं इसके लिए, फाड़ने के लिए। देखिए, दूध को हम नींबू फाड़ेंगे। 2 नींबू हमने लिए हैं, इसको हम काट लेंगे और इसमें हम 2 नींबू का प्रयोग करेंगे। इसको हम काट के ये देखिए, मैंने 2 नींबू का रस निकाल लिया है और इसमें हम आधा प्याली पानी मिला देंगे और इसको हम छान लेंगे, क्योंकि हमें छान के ही डालना, जो भी रेशा होगा नहीं तो हमारे पनीर में आ जाएगा। इसको हम छान के ही डालेंगे। ये देखिए, हमारा रस तैयार हो गया है और जब हमारा दूध थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब हम डालेंगे। 3-4 मिनट हम दूध को ठंडा करेंगे चमचा चला चला कर। ये देखिए, 2 मिनट हो गए मुझे इसे, 2-3 मिनट इसको चलाते हुए। इसको लगातार मैंने चलाया तो इसे थोड़ा ठंडा हो गया है। अब हम इसमें अपना नींबू का रस थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। इसे लगातार चलाते रहेंगे और इसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। कटने लगा है, ये देखिए, इसने दूध बिल्कुल फट गया हमारा। देखिए, बिल्कुल फट गया। अब हम इसको छान लेंगे। देखिए, इसमें हमने स्टीनर लिया है और इसके ऊपर हम एक पतला कपड़ा डाल लेंगे। इसको छानेंगे। ये देखिए, हमारा और इसको हम अब पानी, गर्म ठंडे पानी से इसको धोएंगे, जो इसका खट्टापन आ गया है इसमें नींबू का। तो इसको हम देखिए पानी डाल करके इसको धोएंगे। इसको हम अच्छी तरह से धो लेंगे जिससे इसका खट्टापन चला जाए। अच्छी तरह से हमने इसको धो लिया। हमारा बनके तैयार हो गया, इसे हम निचोड़ने के लिए रख देंगे। इस तरह से इसको लपेट के रख देंगे जिससे इसका पानी एक्स्ट्रा जितना भी है वो सब निकल जाए। जब पानी निकल जाएगा तब हम बनाना शुरू करेंगे। देखिए,
इसका पानी निकल गया है, अब हम इसको निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा देर इसको नहीं रखना है, आधे घंटे से ज़्यादा ना रखें, नहीं तो ये बिल्कुल सूख जाएगा। देखिए इस तरह से अब हम इसको, ये देखिए अभी दानेदार है, और अब हम इसको मल मल के बिल्कुल चिकना करेंगे, और हथेली के यहाँ के हिस्से से हम इसको चिकना करेंगे। देखिए इसको हम करते हैं अभी चिकना, और जब तक हम ये चाशनी बनने के लिए रख देते हैं। देखिए ये एक बाउल हमने चीनी ली है, और इसमें हम छः बाउल, एक बाउल चीनी तो छः बाउल हम इसमें पानी डालेंगे। देखिए हमने चाशनी बनने के लिए रख दी है, जब तक ये बन रही है तब तक हम अपने छैना तैयार कर लेते हैं। देखिए इसको हम लगातार इस तरह से हम फेंटेंगे, इसको रगड़ रगड़ के बिल्कुल चिकना कर लेंगे। इसमें 4-5 मिनट लग जाते हैं इसको करने में। इसको इधर उधर से करते हुए हमको ला करके इसको इस तरह से हमको 4-5 मिनट करना है। ये देखिए हमारा बिल्कुल फुट के चिकना हो गया, एकदम देखिए स्मूथ है बिल्कुल। अब हम इसमें ये एक छोटी चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर डाल देंगे, एक छोटी चम्मच ही डालनी है इसको बाइंडिंग के लिए। और इसको फिर हम 1-2 मिनट अच्छी तरह से, जिससे हमारा सब जगह ये मिल जाए, फिर फेंट लेंगे। ये देखिए हमारा तैयार हो गया, हम इसकी लोई काट लेंगे। बहुत बड़ी बड़ी नहीं काटेंगे क्योंकि ये फूलते हैं, इसलिए हम इस तरह से हम लोई काट के तैयार करेंगे। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए हमारे इस तरह से हम बिल्कुल चिकना कर लेंगे। हाथ में ले जाकर के भी इस तरह से खूब अच्छी तरह से हम मल मल के गोली बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए कोई क्रैक नहीं रहना चाहिए इसमें। ये देखिए हमारे ये तैयार हो गए, इसी तरह से हम और तैयार कर लेंगे। हमारी खोल गई है, और अब हम इसमें एक एक करके डालेंगे, एक साथ सब नहीं डाल देने हैं। पानी डालने के बाद चाशनी हमारी ठंडी हो जाती है, इसलिए हम एक एक करके एक एक बनाते जाएंगे और एक एक हम डालते जाएंगे। इसी तरह से हम सभी बना के डाल देंगे। देखिए सभी रसगुल्ले हमने इसमें डाल दिए हैं, और इसको 3-4 मिनट हो गए हैं इस तरह से। अब हम इसको ढक्कन लगा देंगे, अब हम इसमें ढक्कन लगा देंगे, और 5 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। देखिए 5 मिनट हो गए हैं, देखिए हमारे फूल के कैसे बड़े बड़े हो गए हैं। अब हम इनको पलट देंगे। देखिए अभी मैंने सभी को पलट दिया, और इसको 5 मिनट हम इसी तरह से और पकाएंगे। बंद कर देते हैं 5 मिनट के बाद हम। देखिए 5 मिनट और हो गए हैं, ये देखिए हमारे बन के तैयार हैं। देखिए कितने बड़े बड़े फूल फूल के तैयार हुए हैं। ये देखिए अब हम इसे गैस बंद कर देंगे और उसको नीचे उतार लेंगे। ये हमने ठंडा पानी लिया है, अब हम इनको ठंडे पानी में डाल देंगे इस तरह से उठा के, जिससे हमारे ये पकना बंद हो जाएगा इनका अंदर से। इसी तरह से हम सब डाल देंगे। देखिए पानी में डाल दिए, अब थोड़ी देर हम इसको इसी तरह से पड़ा रहने देंगे, फिर इसी में हम चाशनी डाल करके मीठा करेंगे। ये देखिए ठंडे पानी में पड़े हुए काफ़ी देर हो गई है, अब हम आपको दिखाएंगे। देखिए कितने स्पंजी बने हैं, देखिए कितना पानी निकल रहा है इसमें से। ये देखिए कितना पानी निकल रहा है, और इसमें जाएंगे तो ये अपना शेप फिर से ले लेंगे थोड़ी देर में इसी तरह से। अब हम इसको सबको निकाल करके इस बॉल में रख लेंगे,
पानी निचोड़ कर, क्योंकि हमने ठंडा पानी डाला था। ये देखिए सब इस तरह से हम बिल्कुल निचोड़ लेंगे इनको इस तरह से, और ये अपने शेप में फिर से आ जाएंगे। ये देखिए इसमें हम इसमें चाशनी डाल देंगे, चाशनी भी हमारी ठंडी हो गई है तो हम इसमें इसको डाल देंगे। अब ये अपने शेप फिर से ले लेंगे इसी तरह से। ये देखिए जैसे थे वो बिल्कुल उसी शेप में ये आ जाएंगे, और ये हमारे मीठे भी हो जाएंगे क्योंकि हमने ठंडा पानी डाला था, इसकी कुकिंग प्रोसेस उसी समय रुक गया, ये हमने ठंडे पानी में डाला। ये देखिए ये फिर अपने उसी शेप में आने लगे हैं। ये देखिए उसी शेप में, अपनी शेप में ये फिर आ गए। ये देखिए फिर उसी शेप में आने लगे हैं। हमने निचोड़ दिया है पानी इनका, इसलिए हम सभी निचोड़ करके इसी में कर लेंगे। ये देखिए हमारे बनके तैयार हो गए हैं, और इसको हम डेकोरेट करेंगे। देखिए केसर से इसमें लगा देंगे कि मैंने इनको डेकोरेट कर लिया है केसर से। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया बने हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।